हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल खुद करके देखे में। दोस्तों आज बनाएंगे फ्रूटी, तो चलिए देखते हैं। फ्रूटी 1 किलो आम लिए मैंने, ये और आधा किलो कच्चे आम लिए हैं, इनको काट लिया है ऐसे। और अब इनको पकाएंगे। 2 ग्लास पानी डाल लेंगे इसमें। एक किलो आम, आधा किलो कच्चे आम और 2 ग्लास पानी। इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इनको पकाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पक गए हैं आम और कच्चे आम दोनों। तकरीबन आधा घंटा लगता है इसको पकने में। ये देखो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, ऐसे दबा के देख लो। अभी इसमें चीनी डाल देंगे हम। 1 किलो आम में 2 कटोरी चीनी डालेंगे। बाकी आप अगर ज़्यादा मीठा पीते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपको कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। मैंने ये 2 कटोरी से थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कम पीते हैं मीठा। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी चीनी डालने के बाद चीनी घुल ना जाए तब तक। ये चीनी बिल्कुल अच्छे से देखो इसके अंदर मेल्ट हो गई है। अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको पीसेंगे मिक्सी में, या ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो इसको अब छोड़ देते हैं गैस बंद करके, कढ़ाई को नीचे रख देते हैं उतार के। ठंडी होने के बाद पीसेंगे फिर। आज गुरुवार का दिन है, मैं फास्ट रखती हूँ गुरुवार का, तो उधर वो आम ठंडे हो रहे हैं जब तक मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनती हूँ मैं, और हल्दी के टीके लगाती हूँ, और गुरु बृहस्पति देवता की एक कथा पढ़ती हूँ। ये मैं कथा पढ़ चुकी हूँ। और इसमें केले का भोजन होता है, जो पानी रखा हुआ है इसको ले जाके अभी केले की जड़ में डालूंगी। ये हो गई है ठंडी हमारी रोटी जो बनेगी अभी। इसको पीस लेते हैं अब मिक्सी में। पीसने के बाद इसको छान लेंगे और इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, अपने हिसाब से पतली कर लेंगे। इसको ऐसे छानेंगे और इसको बोतल में भर के रखेंगे। 4 से 5 दिन तक हम इसको रख सकते हैं फ्रिज में रख के। और ये देखिए, ये बची हुई मैं ब्लेंडर से करके दिखाती हूँ आपको। इसको चलाएंगे, इससे भी अच्छे से हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मिक्सी में ही करना है। ये देखिए, ये हो गई है, इससे भी अच्छे से एकदम बढ़िया हो गई है। आपको जो इजी लगे उसमें कर लो, मिक्सी में या इससे। अब इसमें पानी डाल लेंगे जितना हमको पतली रखनी है, और फिर इसको भी छान लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें बड़े पतीले में डाल लिया है, और ये देखिए मैंने इतनी पतली बनाई है। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। पानी इसमें ऊपर से डाल देते हैं ना है। अभी इसको बोतल में भर के रख लेंगे। पीजिए दोस्तों, पीजिए फ्रूटी आप लोग भी, और बताइए कैसी बनी है। ये है दोस्तों मेरी बेटी, इसका भी चैनल है पारुल गुलिया के नाम से, डांस करती है बहुत अच्छा। इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इसका भी चैनल देखिए प्लीज। और इसका डांस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और रोटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा। और ये मेरे हस्बैंड है, बताइए जी कैसी बनी है रोटी? रोटी तो बिल्कुल सारी दुकान ही फैल कर दी तूने तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फ्रूटी बना के पीना जरूर, बताना कैसी बनी। तो बाय।